दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब के कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जो कि तुला राशि के जातकों के लिए हैं। लाल किताब का नाम अरुण संहिता भी है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह ज्ञान सूर्य के साथ ही अरुण ने लंकापति रावण को दिया था। इस ग्रंथ की लोकप्रियता इसके उपायों की वजह से, क्योंकि इसके उपाय साधारण व्यक्ति भी अपना सकते हैं और आसानी से इन्हें उपायों को अपनाकर अपने ज़िंदगी में परेशानियों से या कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए उपायों को, किसी भी उपाय को करते हुए, कि कर्मों के प्रवाह को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ निश्चित उपाय के द्वारा उन्हें मोड़ जरूर दिया जा सकता है और यह भी संभव है कि कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणामों के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए ताकि वे दुष्कर्म शुभ कर्मों की बनी दीवार से टकरा कर निष्फल हो जाएं। तो सबसे पहले तुला राशि के जातकों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस राशि की अधिष्ठाता देवी माता लक्ष्मी है। तो आप अपनी ज़िंदगी में समस्त स्त्री जाति, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो या कोई भी स्त्री हो, उसके प्रति सम्मान व प्रेम का भाव रखें, उनको तिरस्कृत कभी ना करें। और आप देखेंगे कि यदि आप अपने व्यवहार में इस तरह का बदलाव करते हैं तो आपके घर बरकत और लक्ष्मी रुकने लगेगी। इसके अलावा यदि आप अपने खाने का, जो भोजन का जो हिस्सा होता है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप कौओं को और खासकर पशु पक्षियों को या गायों को देते हैं, दान करते हैं, उन्हें खिलाते हैं अपने हाथ से, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गौमूत्र का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वैसे भी गौमूत्र का सेवन तो कैंसर जैसे रोग को भी ख़त्म कर देता है, तो यह प्राचीन काल से ही हमारे देश में इस चीज़ का प्रयोग होता है और आज साइंस भी इसे मानता है। तो गौमूत्र का यदि आप थोड़ा सा भी सेवन डेली करते हैं तो आपके शरीर के अनेक व्याधियों का नाश होगा और लक्ष्मी की वृद्धि, मतलब श्री श्री मतलब सौभाग्य की, सुख की वृद्धि आपके जीवन में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यदि आप जौ और पीली सरसों धर्म स्थान में दान देते हैं कठिनाई के समय में, जब भी आप परेशानी में हो, तो जौ और पीली सरसों का दान आप मंदिर में कर दें तो आपको उससे भी रिलीफ मिलने लगेगा अपनी परेशानियों से। इसके अलावा यदि आप परमात्मा के नाम पे, मतलब ईश्वर के नाम पे, यदि आपको कोई भी व्यक्ति दान देता है तो उस दान को स्वीकार ना करें, उल्टा आपको दान करना है ना कि दान लेना है। इसके अलावा आप जब भी अपने घर का निर्माण करें तो एक उपाय बताना चाहूँगी कि आप अपने घर के नींव में चांदी और थोड़ा सा शहद भी डाल दें, थोड़ी सी चांदी थोड़ा सा शहद डाल दें, या आपके घर की तरक्की, सुख समृद्धि और उन्नति के लिए एक परमानेंट इलाज हो जाएगा, एक परमानेंट टोटका हो जाएगा जो आपके घर में हमेशा सुख सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाएगा। इसके अलावा जब भी आप किसी बड़ी परेशानी में हो या आपको अपनी समस्या का हल ना मिल रहा हो तो आप खाना बनाने वाली चीज़ें जैसे कि तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में दें तो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यदि आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी तो ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।